वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर के काफी बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। अब वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी तक केवल 19 स्टेट में वन नेशन वन राशन कार्ड है। मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा, आप लोगों को साइड में भी दिख रहा होगा वीडियो किन किन राज्यों में अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि ये वो राज्य हैं जहां के राशन कार्ड दूसरे स्टेट में काम आ सकते हैं। और कुछ 9 स्टेट ऐसे हैं दोस्तों जहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। इसका कारण है कि उनके पास अभी वेंडिंग मशीन नहीं है जिससे कि ये वेरिफिकेशन किया जा सके कि आधार कार्ड से जो राशन कार्ड लिंक्ड है वो एक्चुअल में किसका है। ठीक है, तो इसका जो भी काम होगा ये जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जून 2020 तक। तो मेक श्योर दोस्तों कि अगर आपका स्कीम उपलब्ध है आप लोगों के स्टेट में और आप लोगों का आधार कार्ड आप लोगों के राशन कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो आप लोगों को फिर यहाँ पर दिक्कत होगी। आप लोग अपने ही स्टेट से राशन नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग अपने सबसे पहले राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराइए। आप लोग अपने उसी सरकारी दुकान पे चले जाइए जहां से आप लोग राशन देते हैं लेते हैं, वो भी आप लोगों का लिंक कर देंगे या फिर आप लोगों को वो प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से लिंक्ड किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा जिससे कि मैं भी आप लोगों को बता दूं कि क्या प्रोसीजर होगी नेक्स्ट वीडियोस में कि किस तरह से आप लोग अपने राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक्ड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है वन नेशन वन राशन कार्ड से, और ख़ास करके उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो अपने स्टेट को छोड़ करके अपने शहर को छोड़ करके किसी और राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश या फिर आसपास के इस तरह के जो भी इलाके हैं यहाँ से अधिकतर लोग बॉम्बे दिल्ली पंजाब इस तरह के स्टेट में जा करके कमाई करने जाते हैं। तो दोस्तों उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें सरकारी दाम पर आप लोगों को राशन मिलता है। तो जो आप लोग अपने स्टेट में या फिर जो भी आप लोगों का सरकारी राशन की दुकान है वहां से जो राशन लेते थे जिस प्राइस पे, उसी प्राइस पे आप लोगों को दूसरे स्टेट में भी मिलेगी। लेकिन अभी तक क्या था कि आप लोगों को केवल अपने ही स्टेट में मिलता था, अब दूसरे स्टेट में भी आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जून 2020 पूरे पैन इंडिया में लागू होने के बाद तो आप लोगों को सबसे पहला एक्शन क्या लेना है, सबसे पहला एक्शन ये लेना है कि आप लोगों को पता करना है कि आप लोगों का राशन कार्ड आप लोगों के आधार कार्ड से लिंक्ड है कि नहीं। ठीक है, दूसरा कि अगर आप लोग एलिजिबल नहीं है अपने राशन कार्ड के लिए तो आप लोग तुरंत उसे निरस्त कराइएगा, क्योंकि दोस्तों कई सारे स्टेट्स में मिलाकर के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा ऐसे राशन कार्ड पाए गए हैं जो कि फर्जी थे और उनके ऊपर कार्यवाही भी की जा रही है। सबसे पहले उनका कार्ड निरस्त किया गया है और फिर उनके ऊपर कार्यवाही की जा गई है। अब 3 करोड़ से ज़्यादा कार्ड निरस्त हुए हैं तो गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, लगभग उसका 44 से 45 करोड़ रुपये बचेंगे। ठीक है, तो वो कोशिश करेगी कि ऐसे जो अनएलिजिबल लोग हैं उनका कार्ड निरस्त किया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। तो गवर्नमेंट के एक्शन लेने से पहले आप लोग ये काम कीजिएगा कि आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोग एलिजिबल होंगे तभी आप लोग अपना राशन कार्ड रखिएगा वरना उसे करवा दीजिएगा। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी इसकी पूरी जानकारी दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।